नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो सियासत के गढ़ इंदौर में फ्लाईओवर पॉलिटिक्स का सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने बंगाले फ्लाईओवर ब्रिज के लिए हुंकार भरी है। चिंटू चौकसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बंगाली चौराहा स्थित फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण की मांग कर रहे हैं और जनता की आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनप्रतिनिधि हरकत में आए और ताबड़तोड़ फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण की तारीख जो है वो तय कर दी और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस फ्लाईओवर का लोकार्पण भी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, क्या कारण रहा कि आपको इस तरह से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा और आपकी वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत ही सीएम के पास समय निकला और अब वो इसका लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, 100% उसका काम पूरा हो चुका है। और ये तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करे वो कम है। इनकी इच्छा तो ऐसा दिन को दिन और दिन को रात और रात को दिन बोलने लगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। आप देखिए कि अपन एक तरफ तो इंदौर शहर में नए फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं और ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, एलिवेटेड ब्रिज बनाएंगे, लेकिन जो बना हुआ है उसको हमको जनता को समर्पित करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है जी। और क्या आवश्यकता है ऐसे लोकार्पण की? सभी को पता है भैया, आपकी सरकार है ऊपर से नीचे तक, तो अल्टीमेटली कोई कांग्रेस के लोग तो बनाएंगे नहीं, आपने ही बनाया है जी। सबको पता है, बहुत ज्यादा दिखाने की आवश्यकता भी नहीं जी। मुख्यमंत्री जी अगर संवेदनशील होते और इंदौर की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती या उनका प्रेम होता तो इतने दिन ये ब्रिज बंद नहीं होता, ये चुनाव बंद नहीं रहता, ये इलेक्शन से पहले ही खुल चुका होता, इलेक्शन से पहले ही जनता के आवागमन के लिए चालू रहता। लेकिन चूंकि बीजेपी को तो क्या एक पौधा भी लगाएगी तो उसका फोटो खिंचाएगी, उसके बाद में पौधा लगाएगी, वो पता वो बड़ा होगा कि छोटा होगा उसकी बात की बात है, फोटो में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये फोटोबाजी धोती लोकप्रियता के चक्कर में सारी चीजें हो रही है और जनता जनता सफर कर रही है। पूरे देश में भयावह स्थिति है, नौकरी धंधा रोजगार और सामाजिक रूप से बढ़ता जा रहा है पूरा देश। पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया भारतीय जनता पार्टी में। नफरत 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 और नफरत के बीज बोने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस स्थिति में इनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। इंदौर शहर इतना बड़ा शहर है कि अगर कोई भी चीज उसको उसके लिए उसकी सुविधा के लिए अगर कोई तैयार हुई तो तुरंत के तुरंत उसको जनता को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि थोड़ी थोड़ी तो दिक्कत कम हो। आज हजारों लाखों की संख्या में लोग उस रोड से गुजरते हैं और इतने लंबे समय तक अगर किसी के लिए परेशान किसी कारण परेशान हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, स्थानीय प्रशासन के कारण, इनकी लापरवाही के कारण, इनकी हिटलरशाही के कारण। हम तो आगे भी सरकार से निवेदन करते हैं, स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय नेताओं से, जो भी बनाओ भैया उसको फटाफट चालू करो, एक सवा साल और बचा है, उसके बाद मेरे को लगता है भविष्य में 20-25 साल कोई भी उद्घाटन करने का मौका आपको मिलेगा। जिस स्थिति जो स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है डे बाय डे, वो स्थिति 100% कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी और जनता के काम फटाफट होंगे, एक्शन ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं, हम बिल्कुल मौजूद नहीं रहेंगे। उनका काम है, जनता ने उनको मौका दिया है लोकार्पण करने का, वो लोकार्पण करे, उनका स्वागत है और धन्यवाद भी है कि उन्होंने बहुत जल्दी, मैंने परसों ही बोला था और कल ही उन्होंने टाइम दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पहले जग जाते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, इतने दो महीने तक जनता, तीन महीने तक जनता परेशानी नहीं होती। लेकिन सर, ये लोकार्पण तो तब हो रहा है ना जब आपकी वीडियो वायरल हुई, आपने उसमें आग्रह किया जी। हम जी। अगर ये अच्छा है कि जल्दी जग गए, अदरवाइज 14 अगस्त को हम खुद ही चालू करने वाले थे जनता के साथ उसको जी, इनने कर दी, अच्छी बात है। नहीं तो जनता है, जनता जनार्दन से बड़ा कौन सी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जनता की सरकार के साथ चालू करते हैं उसको शानदार तरीके से। लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे चालू, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने आवाज सुनी जनता की मेरे माध्यम से जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी पार्षद राजेश उदावत भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, जनता को आज एक और फ्लाईओवर समर्पित होने वाला है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि इतने समय से जो फ्लाईओवर का लोकार्पण है वो रुका पड़ा था, क्या कारण रहा कि अचानक से सीएम शिवराज सिंह चौहान उसका लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्या हम ये माने कि चिंटू चौकसी की जो वीडियो वायरल हुई है उसके बाद ताबड़तोड़ तारीख तय की गई? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जब 2018 विधानसभा चुनाव के पहले हमारी विधानसभा में माननीय विधायक महेंद्र आडिया जी ने के कार्यक्रम में पधारे थे, उस समय हमने इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम किया था
और आज पूरा फ्लाईओवर बन के तैयार है और आज उसका लोकार्पण होने जा रहा है। इससे पूर्वी क्षेत्र की लगभग 150 से 200 कॉलोनियों के जो रहवासी हैं, जिनको आवागमन में बड़ी तकलीफ होती थी, उनको इस परेशानी से निजात मिलेगी। और जो हैवी ट्रैफिक है, जो बाहर मतलब पिपलियाना से खजराना की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, वो ब्रिज के ऊपर से चला जाएगा और जो कॉलोनियों का ट्रैफिक है वो ब्रिज के नीचे से जाने से यातायात सुगम हो जाएगा, इससे काफी राहत मिलेगी। देखिए क्या है कि हमारी तैयारी नगर निगम के चुनाव से पहले से चल रही थी। इसका माननीय विधायक जी ने नगर निगम चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद इसका दौरा भी किया था और उसके बाद जो काम बचे हुए थे उन कामों को पूरा करने के निर्देश माननीय विधायक जी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए थे। परसों ही हमारे सांसद जी और विधायक जी को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि काम लगभग पूर्ण हो चुका है और इसका लोकार्पण कराया जा सकता है। अब चूंकि ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, पत्राचार भी चल रहा था, अधिकारियों को भी जानकारी में था, जिला प्रशासन की भी जानकारी में था। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस हर चीज को अवसर के रूप में बनाना चाहती है। कांग्रेस खुद तो कुछ करती नहीं है। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में इस फ्लाईओवर ब्रिज का काम उन्होंने लगभग बंद सा करा दिया था, मतलब काम पूरा हुआ ही नहीं था। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इस ब्रिज का काम जोर शोर से पूरा हुआ, शुरू हुआ और उसके बाद आज ये लोकार्पण के लिए तैयार हो गया। अब झूठी वाहवाही लूटने के लिए, चूंकि प्रशासनिक तंत्र में संदेश था कि माननीय मुख्यमंत्री जी तिरंगा यात्रा में आ रहे हैं, चिंटू चौकसे जी राजनीतिक रूप से अपने उस चीज को भुनाने के लिए उन्होंने इसको अपना वीडियो बनाया बंगाली चढ़ाई पर आकर और इसका वीडियो वायरल किया। इन सब सस्ती लोकप्रियता से हासिल करने के कारण ही कांग्रेस आज रसातल में चली गई है। कांग्रेस कोई कॉन्क्रीट वर्क करती नहीं, कांग्रेस कोई धरातल पे काम करती नहीं है। कांग्रेस ने जो दूसरा करता उस पर आके अपना सिक्का जमाने का काम शुरू से कांग्रेस ने किया है। ये जो हरकतें हैं, बचकानी हरकतें हैं, ये जनता समझती है और जनता जानती है कि काम करने वाला राजनीतिक दल कौन है, काम करने वाला जनप्रतिनिधि कौन है और काम करने वाले मुख्यमंत्री कौन है। इस प्रदेश में 15 से 17 सालों में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, पुलों का जाल बिछा, हमारे विधानसभा 5 में माननीय विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी के नेतृत्व में आज आप देखिए पिपलियाना का फ्लाईओवर ब्रिज तैयार हुआ, उसके बंगाल फ्लाईओवर ब्रिज तैयार हो गया, अभी हमारा तीसरा ब्रिज फ्लाईओवर ब्रिज खजराना का जो आईडिया बनाने जा रहा है उसका भूमि पूजन अति शीघ्र होने वाला है। इसके अलावा हमने चौथा फ्लाईओवर ब्रिज माननीय विधायक श्री महेंद्र आडिया जी ने अभी मूसाखेड़ी का सेंक्शन करा लिया है। ये पिछले कई सालों में, पिछले 15-17 सालों में जो काम इस विधानसभा में हुआ, जो काम इस प्रदेश में हुआ, वो पिछले 50 सालों में 35 सालों की सरकार जो इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की थी उसके नेतृत्व में कहीं विकास के नाम की चिड़िया नहीं थी। आज जब विकास करने वाले लोग, विकास करने वाला दल और विकास का साथ देने वाली जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है तो इनका पेट दुखता है। झूठी वाहवाही लूटने के लिए जाते हैं। ये कतई चिंटू चौकसे जी के वीडियो वायरल होने से इसका लोकार्पण नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि नगर निगम चुनाव के परिणाम की आचार संहिता हटने के बाद पहली बार इंदौर आ रहे हैं और इंदौर उनके आगमन में इस कार्यक्रम को जोड़ने की विधायक जी की कई बार चर्चा हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी चर्चा के बाद कार्यक्रम जोड़ा उनके इंदौर आगमन पर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। खैर, इस फ्लाईओवर का जो लोकार्पण हो रहा है वो वाकई में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उसका लोकार्पण करने वाले थे या फिर चिंटू चौकसे के वीडियो वायरल होने के बाद इसका लोकार्पण हो रहा है, ये तो बात की बात है। लेकिन इस ब्रिज के चालू होने से जनता को जरूर राहत मिलने वाली है। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एमपी न्यूज़।